रूस की वायुसेना को जल्द ही नई हाइपरसोनिक के मिसाइलों से लैस किए जाने की योजना है। रूस के कमांडिंग ऑफिसर के हवाले से दावा किया गया है कि रूस के कमांडर सर्गेई कोबिलाश का हवाला देते हुए कहा गया कि लंबी रेंज वाली मिसाइल सीरीज में अब नई क्रूज हाइपरसोनिक मिसाइल को जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। इस कोशिश को परमाणु हमले की कोशिशों से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान कर रखा है कि लड़ाई को वो भी किसी भी हद तक ले जा सकते हैं। बहरहाल रूस ने इससे पहले दावा किया था कि हाइपरसोनिक एरोबैलिस्टिक मिसाइलों के साथ किंचल एविएशन मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल इसी साल मार्च में यूक्रेन के खिलाफ कर चुका है। यूक्रेन में इवानो फेब्रिक वक्स क्षेत्र के डेलियाटेन गांव में हमला किया गया था और इस दौरान मिसाइलों का इस्तेमाल पश्चिमी यूक्रेन में एक हथियारों के गोदाम को तबाह करने के लिए किया गया था। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने किंचल मिसाइल को एक आइडल वेपन करार दिया था।